अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड। इसके लिए हमने 300 ग्राम चिकन ली है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक, 1/2 टीस्पून नमक, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल करके उबाल लूँगी इसको, फिर उसके बाद हम इसे श्रेड कर लेंगे। एक ये प्याज ली है मैंने छोटी, इसे कट कर लिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, इन्हें छोटा छोटा कट कर लिया है, 2 टेबलस्पून मक्खन, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 कप हमने ये मिल्क लिया है, रेगुलर मिल्क है। काउ चिकन को हमने पैन में डाल के और पानी डाल दिया 1/2 लीटर, और हम इसमें ये लहसुन अदरक शामिल कर देंगे, नमक शामिल करेंगे और इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। उसके बाद कवर करके हम इसको 15-20 मिनट के लिए गलने रख देंगे। गल जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, चिकन हमारी अच्छे से पक रही है। अब इसको 10 मिनट हम गलने छोड़कर फिर मैं आपको, ये देखें चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। अब मैं इसे इसमें से निकाल के और इसको श्रेड कर लूँगी, फिर मैं आपको। चलिए अब हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। देखें मक्खन जो आपको दिखाया था, इसे गर्म करेंगे। बस ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। प्याज शामिल कर देंगे, इसे हमने सिर्फ पिंक करना है। प्याज को हमने इतना ही पिंक करना था। हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे, मैदा डालकर मैदे को भून लेंगे अच्छे से। मैदे को हमने भून लिया है, इसमें मिल्क शामिल कर देंगे और इसे जल्दी जल्दी हिलाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने इसमें। देखें ठीक हो गई है। अब मैंने इसमें शायद सीम शूट नहीं हो पाया, मैंने देखा नहीं। मिल्क शामिल करने के बाद मैंने इसे एक उबाल देने के बाद ये शामिल कर दिए चिकन और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नमक और काली मिर्च भी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें ये हरी मिर्च रख दी आपको दिखाया था, ये शामिल कर देंगे। इसे थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा और ठीक होने तक चलाते रहेंगे। देखें ये सिमटने लगा है चम्मच में। बस अब हम चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। आगे क्या करना है हम आपको दिखा देंगे। देखें डो हमारी कितने अच्छे से राइज हुई है, ये देख सकते हैं आप। देखें और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड है। तो अब हम अपना हाथ थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इसको पंच राउंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। डो को हमने पंच राउंड कर लिया है। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको रोल करेंगे और इसके हम दो पीस कर लेंगे। ये देखें एक कड़ा हमने बनाया है, एक ही हम यूज़ करेंगे। एक को हम उसी में प्लास्टिक में पैक करके रख, हम इसको मैदे के साथ रोल कर लेंगे इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा लंबाई में ओवल शेप में करेंगे। ये देखें इसमें मैंने ओवल शेप में भेजा है और ये कितना मोटा, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना ही मोटा रखना है। अब हम इस पर अपने चिकन में फिल कर देंगे। सारी हम इसी तरह कर लेंगे। देखें इसको, तमाम चिकन को हमने इस पर लगा दिया है। हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। देखें थोड़े थोड़े गैप के बाद हम इस तरह से कट कर लेंगे सारा। ये देखें हमने कट्स लगा लिए हैं। बस अब हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। इसमें लगा रहे हैं, देखें इसको हम थोड़ा सा इस तरह खींचेंगे। बाकी ये वाला जो हमारा बहुत एहतियात से रखिएगा इसको, क्योंकि ये उसको थोड़ा सा भी टाइम होता है तो ये चिपकने लगती है। देखें बाकी भी मैं पूरा इसी तरह कर लूँगी। देखें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मैंने।
अब हम जो हम जिसमें रखेंगे थाली में, हम उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। और पतीला जो है हमारा, मैंने प्लेट होने रख दिया था 10 मिनट पहले। अब हम इसको इस पर शिफ्ट करते हैं। फिर आपको ये रेडी हो गई है। अब हम इस पर एग वॉश कर देंगे। ये एक अंडा लिया है मैंने, इसको उसमें 1 टेबल स्पून मिल्क शामिल करके दूध और मैं इस पर सारा लगा दूँगी इस तरह से। कर दी हमने अच्छे से। हम इसमें थोड़े से तेल है, वाइट तेल, सफेद सेसमी सीड्स, वो हम इस पर ड्रिजल कर देंगे। बस ये रेडी है बेक होने के लिए। ये देखिए मैंने इसको पतीले में शिफ्ट कर दिया है। ये बिल्कुल आपको देखें पतीले में जगह नज़र नहीं आ रही होगी, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। और रखते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो बस अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकने रख देंगे ताकि ये बेक हो जाए अच्छे से। इसकी आंच इतनी रहनी चाहिए और हम इसे 15 मिनट बाद चेक करेंगे। चलिए जी 15 मिनट हो गए, हम इसे चेक कर लेते हैं। देखें अभी ये राइस नहीं हुई है ठीक से, यानी बेक नहीं हुई है। और अब मैं इसकी आंच भी थोड़ी बढ़ा दूँगी। 15 मिनट बाद हमने चेक किया है इसको, आँच बढ़ा के इसकी, और 15 मिनट बाद फिर हम दोबारा चेक करेंगे इसको। इसके फ्लेम को हमने हाई नहीं किया है, मीडियम आंच पर है ये, बस इतना ही रखेंगे। जी 20 मिनट और हो गए, हम इसे चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्ती ये बेक हुई है। इसको मैंने 15 मिनट हल्की आंच पे बनाया था, फिर मीडियम आंच पे मैंने आपको दोबारा दिखाया था, तो 20 मिनट रखे हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा टाइमिंग, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, चेक करते रहिएगा। मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखें कितना इसमें, देखें कितनी अच्छी सी बेक हो गई है ये। अब हम इस पर हम बटर अप्लाई करेंगे। देखें गरम गरम पर ही हम बटर लगा देंगे, थोड़ा सा शाइनी शाइनी हो जाएगी ये, और इससे बटर लगाने से सॉफ्ट भी रहती है। ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड रेडी हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, मैं भी आपको इसको काट कर भी दिखाऊँगी। और इसकी जो मैंने डो बनाई थी उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा मुझे आप इंस्टा पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। एक मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, ये देखें कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट बनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, देख सकते हैं आप। सॉफ्ट बनी है एकदम, आप इसे देखें सॉफ्ट भी बनी है ये, कितनी सॉफ्ट है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।